भारतीय किसान संघ के द्वारा खंडवा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ जिला खंडवा की सभी 6 तहसीलों से पधारे कई किसानों के द्वारा एक दिन का धरना प्रदर्शन और बीमा कंपनी का पुतला दहन किया गया, जिसमें किसानों की मुख्य मांगे बीमा कंपनी के द्वारा बहुत कम बीमा राशि दी गई, जिसकी वजह से किसानों के अंदर काफी नाराजगी थी। किसानों के द्वारा बीमा कंपनी का पुतला दहन किया, साथ में 34% राहत राशि शीघ्र दी जाए और गेहूं ऑनलाइन स्लॉट करवाने की समस्या निम्न रही है। पुनासा से पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। उस बीमे को लेकर किसान एक महीने से लगातार बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। कई किसानों के अभी राशि नहीं आई है और यहाँ तक कि जिन किसानों को उस रोज चेक बांटे गए थे उन किसानों का भी आज तक पैसा नहीं आया है। तो इसलिए हमने आज मतलब पूरे प्रदेश में बीमा कंपनी का पुतला फूंका है। बीमा कंपनी के हजारों अनियमितता हैं जिसको सरकार उसको पहले ठीक करे, उसके बाद किसानों बीच में बीमा लाए। सरकार ने बोला था मैं बीज उगा मतलब बीज बोने से लगाकर किसान की फसल उसके खले तक आएगी वहाँ तक बीमा कर रही हूँ। किसानों की कई फसलें नालों में बह के चली गई 2019 में 2020 में, लेकिन आज तरी तक बीमा नहीं आया। ऐसी जो नीति बनाई है इसमें संशोधन करके किसानों को उचित बीमा दिया जाए। किसानों की पॉलिसी बीमा भरने के बाद सरकार उन्हें पैसा मिलाती है, करोड़ों रुपये बीमा कंपनी खा के डकार मार रही है, लेकिन आज तक किसानों को ढंग से पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार सुधार करके किसानों को तत्काल बीमा दे, नहीं तो जिला स्तर पर आंदोलन होगा, दूध पर सब्जी रोकी जाएगी, अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मातापुर का जो खेत बहेगा तो उनको आज तक कोई उनको कहीं से कहीं तक नहीं कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, सुभाष भाई उनको बुला लो ना। जो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।